हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आईएससी में अकाउंट्स का जो क्लास 11th का है वो क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली टॉपिक्स वाइज डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बुक्स जो आप लोगों ने खरीदी होगी वो रिडक्शन ऑफ सिलेबस से पहले प्रिंट हुई है। तो काउंसिल की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिड्यूस सिलेबस मिल जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें से हटा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, जिससे क्लास 11th आईएससी के अकाउंट्स के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो पहला टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं उसमें से आपको सब कुछ करना है, एक्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी आपको करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है। जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पूरा आपको करना है, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है, बस ट्रांजैक्शंस विथ जीएसटी इन कैश बुक एंड ऑल डे बुक्स एंड जर्नल एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी आर एक्सक्लूडेड। जीएसटी आपको पढ़ना है, लेकिन ये जो है ट्रांजैक्शंस विद जीएसटी इन कैश बुक में एंड इन ऑल डे बुक्स, जितनी भी डे बुक्स होंगी उसमें से जीएसटी हटेगा। जर्नल एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी आर एक्सक्लूडेड। जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब ये चैप्टर जीएसटी करेंगे, तो वहां आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये सेटिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वाले पार्ट से ये चीज़ रिमूव कर दी गई है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस से आपको पूरा करना है। डिप्रिसिएशन आप पूरा करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूरा करेंगे, फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट आपको पूरा करना है, लेकिन एडजस्टमेंट्स में जीएसटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हटा दिए गए हैं, एक्सक्लूड करे गए हैं इस साल के लिए, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको करना है पूरा, उसमें सिर्फ रीड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको नहीं करना होगा। और सबसे अच्छी खबर जो इस साल के बच्चों के लिए है वो ये है कि अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑफ इनकंप्लीट रिकॉर्ड, ये आपको नहीं करना है, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ये आपको नहीं करना है। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बड़ा चैप्टर, ये एक बड़ा चैप्टर हुआ करता था, इसको हटा दिया गया। और लास्ट का इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो आपको पूरा करना है शुरुआत से लेके अंत तक, लेकिन यहाँ पे जब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन से जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको नहीं करने पड़ेंगे। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कैश बुक सब आपको करना है, लेकिन उसमें जीएसटी को सेट ऑफ करने वाली एंट्रीज नहीं करनी है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको पूरा करना है, डिप्रिसिएशन पूरा करना है, जो भी दिया है आपकी बुक में वो आपको करना है, ठीक है। ये मत परेशान होइएगा कि मेरा ये इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी कि भाई ये इस तरीके से है तो इसमें से हमारी बुक में से क्या हटेगा, ये हमको हटा देना है। क्योंकि जो बुक्स प्रिंट्स हुई हैं, जितनी भी बुक को प्रिंट करा गया है, ये सब रिडक्शन ऑफ सिलेबस से पहले हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पुराना सिलेबस से फॉलो करा हुआ है जो पहले इस साल के लिए आया था, लेकिन अब तो काउंसिल ने चेंज कर दिया है, तो उसके हिसाब से ये सारे चेंजेस, जो चेंजेस हैं सिर्फ वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे। और यहां पे फाइनल अकाउंट्स विद जीएसटी, फाइनल अकाउंट्स पूरा करना है, एडजस्टमेंट सारे करने हैं, जितने आपकी बुक में दिए हैं सब एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, लेकिन जीएसटी पार्ट को आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, जीएसटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरा करना है, रीड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट नॉट रिक्वायर्ड, और ये तो बहुत बड़ा रिलीफ हुआ है इस साल के बच्चों के लिए। खैर, सिंगल एंट्री जो आपका अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये आता भी कम था, कभी कभी आ भी जाता था एग्जाम में, उतना प्रेफर नहीं करते थे टीचर्स, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है और इससे आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आगे क्लासेस में। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी हद तक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स पे बेस्ड चैप्टर हुआ करता था, वो एक पूरा पूरा बड़ा चैप्टर, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसको हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड लास्ट का एक थ्योरी चैप्टर हुआ करता था, वो हटा दिया गया है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शंस विद जीएसटी इन कैश बुक एंड इन ऑल डे बुक्स, ठीक है, एंड जर्नल एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, जीएसटी करेंगे आप
जीएसटी की एंट्रीज भी पास करेंगे, लेकिन ये सेटिंग ऑफ वाली जो है आपकी, ये पार्ट आपको एक्सक्लूड कर देना होगा, ठीक है। बाकी हम लोग जब आगे अभी चैप्टर करेंगे, कोई आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा मेरे को जैसे टाइम मिलेगा। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मुझे टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है मेरे साथ, तो मैं हर क्वेश्चन का जवाब, आई मीन टू से हर कमेंट का जवाब बहुत जल्दी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वीडियोस अपलोड करना और बाकी सारी चीज़ों में ही बहुत टाइम चला जाता है। तो मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अकाउंट से, क्लास 11th आईएससी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।